आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। मैं हरपाल सिंह वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल, समस्त देश व प्रदेश वासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सहारनपुर में रविवार को विजयदशमी के उपलक्ष्य में रामलीला भवन में रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों व रामलीला के कलाकारों द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए विद्वानों द्वारा विधि विधान से शस्त्रों का पूजन कराया गया। हमारे यहाँ आज दशहरा पर्व बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज सुबह को ये हमारे यहाँ शस्त्र पूजन जो होता है भगवान जी के द्वारा वो किया गया है, और इसके पश्चात आज शाम को दशहरे की लीला जो है इस मंच से बड़े भव्य और सुंदर ढंग से दिखाई जाएगी। तत्पश्चात हमारा जो अब की बार कोविड की वजह से ये सब प्रोग्राम शॉर्ट में हो रहा है, शॉर्ट में नहीं फिर भी काफ़ी अच्छा भव्य हो रहा है, और उसी कड़ी में फिर उसके लीला के पश्चात ये रावण का पुतला यहाँ पर जलाया जाएगा। आज का सारा कार्यक्रम यहाँ रामलीला भवन में ही संपन्न होगा, क्योंकि पहले हमारा जो पूरा कार्यक्रम था भेंट अड्डे पर होता था, भव्य होता था, और उसमें लगभग 5-7। सहारनपुर में दशहरे के पर्व पर जिले भर में रावण के पुतलों का दहन किया गया, जिसमें नगर में जुबली पार्क, गुरुद्वार रोड, रामलीला भवन सहित अन्य जगहों पर भी रावण के पुतलों का दहन किया गया। हे राम, तुम्हारी देख नरमाई, नरमाई ही मुझ में आती है, पर देख तुम्हारी ये चतुराई, छाती मेरी जल जाती है। अब मैं तुझ पर कैसे प्रहार करता हूँ। हे रावण, भैया पीछे हो जाओ, हम लोग पीछे हो जाए, कोई भी दीवार के पास कोई भी नहीं है, कितना बमें आपको चोट हो सकती है, सभी लोग पीछे हट जाए, सबसे आगे बैरिकेडिंग हो जाए, सभी से आगे के बैरिकेडिंग पीछे हो जाए। जनमंच सभागार में रविवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रथम चरण के कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों द्वारा महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने महिलाओं को शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान के अंतर्गत महिला तथा बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है। आज मिशन शक्ति के अंतर्गत जो 7 दिन का जो प्रोग्राम चल रहा था, तो आज इसका 7 दिन के जो प्रोग्राम है इसका समापन कर दिया है। इसमें सभी विभागों द्वारा जितने भी जो अपना योगदान दिए हैं उनका सम्मान किया गया है, और जितने भी जो प्रतिष्ठित महिलाएं हैं सम्मानित, उनको
जो 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 जिस फील्ड में उन्होंने अचीव किया है उनको सम्मानित किया गया है। और इस प्रोग्राम के दौरान दो शपथ पढ़ाए गए हैं, एक माता पिता के लिए एक पुरुषों के लिए, कि इसमें उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस तरह के बारे में। ये लगातार अभी 6 महीने तक चलेगी और इसमें विभिन्न प्रकार का प्रोग्राम होगा और ये नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के आधारित सभी प्रोग्राम। माउंट कांगड़ी फतेह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतारोही रिहान अली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। माउंट फ्रेंडशिप फतेह कर वह 50 मीटर लंबा तिरंगा फहराकर उन्होंने जनपद का गौरव बढ़ाया है। रिहान के वापस लौटने पर क्षेत्रवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जनपद सहारनपुर की तहसील भेट इलाके के छोटे से गाँव मारवा से ताल्लुक़ रखने वाले रिहान अहमद लगातार अपने परिजनों, क्षेत्र, जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बार रिहान अली ने भारत की एक खतरनाक 5258 मीटर ऊंची चोटी माउंट फ्रेंडशिप फतेह कर वहां पर 50 फीट का भारतीय ध्वज लहराया है। सर, मेरा नाम रिहान अली है और मैं सहारनपुर का एक पर्वतारोही हूं और अभी हमने 21 अक्टूबर को मनाली में एक ऊंची चोटी माउंट फ्रेंडशिप को हम लोगों ने सबमिट किया है और हमारा 5 लोगों का दल था जिसमें उत्तर प्रदेश से उस दल के अंदर मैं अकेला था और हमने उसको सक्सेसफुली सबमिट किया। आप वापस लौटे हैं, आपका स्वागत हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और कोई भी अचीवमेंट होता है जब तो अपने फ्रेंड्स, रिलेशनशिप और सब लोग अपने स्पॉन्सर जब साथ खड़े होते हैं तो सर अच्छा लगता है। सहारनपुर के नागल कस्बे के हरदेव नगर स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का रविवार को उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया जिसमें हरियाणा से पहुंचे भ्राता प्रजापिता अमित चंद्र ने रिबन काट व दीप प्रज्वलित कर उसका शुभारंभ किया। सब जितनी बहने स्व इच्छा से आई हैं और हमने ये अपने मन में वायदा किया हुआ है परमपिता निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव से कि हम अपने जीवन को परिवर्तन करके पवित्रता को अपने जीवन में अपना कर जो इस हमारे ब्रह्मा कुमारी का फाउंडेशन है घर घर में उजियारा करने के उपलक्ष्य से हम सबने अपने जीवन को समर्पित किया है। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज में सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।